ये गुच्छू पानी की एंट्री है, यहाँ 35 रुपये का टिकट है और अभी तक इन्होंने ऑनलाइन टिकट नहीं किया है। यहाँ लिखा हुआ है कैश ओनली, 35 रुपये की टिकट है। मोदी जी ने पूरे देश में सभी जगह ये ऑनलाइन करा दिया, लेकिन ये अकेली जगह मुझे मिली है पिछले 2 वर्षों में जहाँ कैश ले रहे हैं। बहुत अच्छी सफाई है यहाँ, स्वच्छ भारत मिशन। और ये देखिए, ये वो जल है रॉबर्ट केस से जो आ रहा है, आजकल पानी बहुत कम है इसमें, लेकिन ये बरसात में बहुत पानी होता है इसमें। यहाँ कई रेस्टोरेंट बन चुके हैं, इस समय देखिए 10:30 बज चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 10:30 बज चुके हैं लेकिन धूप में वो गर्मी नहीं है जो उत्तर भारत में इस समय आग बरस रही है। छाया में तो एकदम ठंडक लगती है, हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। और इस समय ऐसा बिल्कुल नहीं प्रतीत हो रहा कि ये मई का पहला सप्ताह चल रहा है। ये बस यहां से आरंभ होने वाला है, टॉयलेट भी बना दिए गए हैं, 5 रुपये में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। रेस्टोरेंट धीरे धीरे खुल रहे हैं, कुर्सियां बिछ रही हैं। और देखिए, आपको दर्शकों की मस्ती वाली आवाज़ आनी शुरू हो चुकी होगी। लॉकर भी यहाँ उपलब्ध है, अगर आप अपना सामान जो साथ लाए हैं उसको रखना चाहें। यहाँ से एंट्री है रॉबर्ट्स केव की। लोग जो कपड़े पूरे पहने हुए हैं वो अपने कपड़ों को फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर। हाँ, अरे वाह, ठंडा पानी है इस समय। बहुत ही आनंददायक। ये देखिए जी, अब आपको नज़ारा दिखा रहे हैं गुच्छू पानी का। निशांत इस समय मेरे साथ है, वो भी अपना ब्लॉग बना रहे हैं। इसका प्राचीन नाम गुच्छू पानी ही है। ये देखिए, किसी समय में कितना अधिक पानी इसमें आता था। आप यहाँ निशान देख सकते हैं, इतनी हाइट पे भी यहाँ पानी रहता था पहले। अब धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है,
कभी ये पूरी गुफा, पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं, पानी से भर के आता था। ये देखिए, ये देखिए, ये नौजवान है जो डर रहे हैं और मेरी आयु देखिए, अंदर जाना मना है। आयु देखिए, आयु देखिए, हाँ ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नजारा। एंजॉय करो, पर अच्छी बात है। ये इस समय ये देखिए कितना सुंदर प्रकृति का नज़ारा है। ये किसी ज़माने में पूरा पहाड़ था, इसके ऊपर पानी गिर गिर कर, ये जो आप देख रहे हैं ये फॉल था जिसने इस पहाड़ के दो हिस्से कर दिए, मुझे ऐसा लगता है। आप यहाँ इसको देख सकते हैं, ये जितनी चट्टानें देख रहे हैं आप, देखिए पानी से इनके ऊपर ये निशान पड़े हुए हैं। ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं, जो ये घिसी हुई हैं, ये उसी से प्रतीत हो रही हैं। ये देखिए पानी की आवाज़ और ये सब पीछे आते हुए। ये लगभग 100 मीटर की गुफा है, पूरी गुफा तो नहीं कह सकते हम इसे अब तो, क्योंकि ऊपर से ये खुल चुका है पूरा। यहाँ बीच में थोड़ा सा और खुला हुआ रास्ता, यहाँ साइड में आप ये देख सकते हैं पानी कैसे, यहाँ भी पानी टपक रहा है, पहाड़ में से पानी निकल रहा है, ये जो सामने आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको ये देखिए सारा एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से। ये हम काफ़ी संख्या में पर्यटक आए हुए हैं अलग अलग स्थानों से। आप इसको ये देख सकते हैं, यहाँ इधर से भी थोड़ा सा रास्ता और अंदर भी एक जो है फॉल आपको देखने को मिलेगा। हम फॉल की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको भी अंदर लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ फॉल, बहुत ही सुंदर नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। चला हुआ है,
में रुकता है। हम इधर से आपको दिखा सकते हैं कि भोपाल में भी एक बार ऊपर प्रयास करते हैं जाने का। निशान की मदद से मैंने मेरी बनाते रहना वीडियो होना। आइए चलो फाइनली पहुंचे हैं हम गुच्चू पार्टी और मेरी चप्पल गई, ये चप्पल उतरी। आइए अभी और अंदर जाना है हमें और एक्सप्लोर करते हैं, कॉर्नर तक जाएंगे, आपको आगे तक दिखाएंगे और हम वापस आएंगे। कितना सुंदर प्रकृति का नज़ारा है, यहाँ से भी बाहर जाने का एक रास्ता है। ये देखिए इधर से भी यहाँ बहुत अधिक पानी की आवाज़ आ रही है, हम आपको यहाँ लेकर चल रहे हैं।